हेलो, मेरा नाम डॉक्टर संदीप कौर है। मैं मुकुट हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो में मैं पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पार्किंसंस डिजीज़ में जो लक्षण पेशेंट में देखे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि पेशेंट को चलने में दिक्कत आने लग जाती है, उनके कदम जो हैं वो छोटे हो जाते हैं, उनकी गति धीमी हो जाती है और पेशेंट के हाथ में कंपन होने लग जाती है। यूजली ये पहले एक हाथ में शुरू होती है और दूसरे भाग में, दूसरे हाथ में ओवर द टाइम चले जाती है। पेशेंट को बैठे बैठे भी अगर आप देखेंगे तो उनके हाथ जो हैं कांपते हुए आपको दिखेंगे। पेशेंट के शरीर में सख्ती आ जाती है, पेशेंट के बोलने में थुथलाहट आ जाती है, क्लैरिटी चले जाती है और उसकी लाउडनेस कम हो जाती है, वॉइस जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कम हो जाते हैं, चलते हुए उनका पोस्चर जो है वो स्टूप हो जाता है। ये तो कुछ मोटर सिम्टम्स हैं। पेशेंट के कुछ नॉन मोटर सिम्टम्स भी होते हैं जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन, ये इन पेशेंट्स में आम तौर पे देखा जाता है। नींद में प्रॉब्लम आ जाती है, नींद में डिस्टर्बेंस होती है, कई बार हो सकता है कि रात में जो है वो अपने ड्रीम्स भी इनेक्ट कर सकते हैं। ये तो सिम्टम्स हैं। अब ये होता क्यों है? कारण ये है कि जो हमारी ब्रेन में एक मिड ब्रेन एक पार्ट है उसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा में डोपामिन का सिक्रीशन होता है। डोपामिन का सिक्रीशन जब कम होता है तो ये सिम्टम्स आने लगते हैं, क्योंकि डोपामिन मूड, मोटिवेशन और बॉडी में मूवमेंट्स के लिए ज़रूरी है। धीरे धीरे जो है विद एज ये नष्ट होने लग जाता है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में ऐसे ये नष्ट हो जाए विद एज, ये असमय नष्ट होता है। कई पेशेंट्स में ये यंग एज में भी देखा जा रहा है। यूजली ये बीमारी 50 साल के बाद देखी जाती है, पर आजकल ये 40 साल की उम्र में भी देखी जा रही है। इसके उपचार उपलब्ध हैं, जैसे कि डोपामिन अगर सिक्रीशन कम हो रही है तो हम बाहर से जो है लिवोडोपा नाम की एक दवाई है वो बाहर से सप्लाई करते हैं। तो अगर ये सिम्टम्स आपके किसी भी जानकार इंसान में दिखाई देते हैं तो ज़रूर न्यूरोलॉजिस्ट को मिलें, क्योंकि उपचार उपलब्ध है। ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। जैसे जैसे ये डिजीज़ बढ़ता है पेशेंट को असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम करने में भी दिक्कत आती है, तो जल्द से जल्द दिखाया जाए और पेशेंट की मेडिकेशन टाइमली शुरू की जाए तो काफ़ी हेल्प होगी पेशेंट में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।